तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीर, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीपीएस बाबा। तो आज हम लोग आए हैं कांबोड़े बीच पे, और यहाँ पे अपना बस कोई नहीं है, हम लोग ही है यहाँ पे। तो ये काफ़ी सेक्लूडेड बीच है। यहाँ पे बाजू में एक और फेमस बीच है, दूसरा वाला नाम मैं भूल गया, मैं नीचे डाल दूंगा यहाँ पे। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे आपको मतलब जुहू बीच पे है वैसा ही पूरा एम्बियंस मिलेगा। यहाँ का खासियत ये है कि यहाँ पे आप बाइक लेके वहाँ से लेके दूर तक जहाँ तक समुंदर दिख रहा है वहाँ तक लेके जा सकते हो बाइक को, और वहाँ पे भी जा सकते हो, पानी के अंदर भी थोड़ा बहुत चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शैलो है और जितना अंदर जाओगे वो स्ट्रेट स्ट्रेट बीच है। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. थर वथर लेके हम लोग जा रहे हैं बीच के ऊपर, तो ये है। ये अरे बीच का नाम क्या बताया था? अरे यार एक सेकेंड बहुत अजीब नाम है इसका। हाँ, मेरे को भी याद नहीं रहता है। कांबोड़े बीच। तो गाइस, हम लोग आ गए कांबोड़े बीच। यहाँ हमारे मीर भाई और यहाँ पे हमारे विपिन भाई, हम लोग ने पत्थर का जुगाड़ किया हुआ है, बिकॉज आगे जाने का पत्थर की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये बीच तारापुर में है, और यहाँ पे मतलब बहुत सारे जगह है घूमने को। वैसे आना है तो फुल डे आराम से निकाल सकते हो, और हार्डली कितना अपने को 7:30 बजे निकले ना वहाँ से, किनारा धाबा से 2 घंटे में पहुँच गए यहाँ पे। हाँ, अरे बाइक गाड़ी वाड़ी जाता है पूरा अंदर तक जाता है। हाँ, तो मतलब आज बीजू जो बीच पे चलाने वाला जो ड्रीम है वो पूरा करना है क्या? हाँ, तो इधर वही कर सकते हैं, आगे भी एक और बीच है ऐसे ही। कुत्ता यार। हाँ, हेलो, कुछ नहीं है खाने को, देख, नथिंग टू ईट हियर। कुछ नहीं है बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं है, और हम लोग कुछ लाए नहीं है, कुछ दे भी नहीं सकते, भले देने का मन बहुत कर रहा है। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना कैरी कर दूंगा मैं कुछ ना कुछ, बिस्किट वगैरह ये डॉग्स के लिए, पार्ले जी वगैरह तो कैरी कर ही सकते हैं। अगर आपको ये बीच पे आने का बेस्ट टाइम चाहिए तो हाई टाइड पे आना। हाई टाइड पे क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे भी पानी होता है जहाँ पे हम लोग बाइक चला रहे हैं यहाँ पे। तो ऑफ जब ऐसे दोपहर का टाइम वगैरह रहता है नॉर्मली, तभी हाई टाइड रहता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हो हाई टाइड नियर मी करके, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे आपका हाई टाइड का टाइम क्या है यहाँ पे आने का। अभी बस काम एक करना है मेरे को, यहाँ पे रुक के ये जो मैंने पत्थर लाया था ये, तो ये देख लो, अभी मैंने ये लगाया पत्थर और नहीं धस रहा है। तो इसके लिए मैं कभी भी ऐसे बीच वगैरह पे जाने का रहेगा ना, तो ऐसा पत्थर लेके आ जाता हूँ, ये देख लो। तो हमने जुगाड़ कर दिया, आपको दिख रहा होगा, और ये दिमाग हमारे मीर भाई का है। मेरे भी दिमाग में आया नहीं था ये बात, टू बी फ्रैंक। आजू बाजू में कुछ नहीं है, दूर दूर तक मस्त एकदम। क्या बात है और क्या चाहिए लाइफ में, जिंदगी के असली मजे तो हम ले रहे। यहाँ पे बहुत सारे रील्स निकाले हम लोगों ने, तो आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैं डाल दूंगा वहाँ पे। और यहाँ से अभी अपना प्लान है एक और लोकेशन पे जाने का, तो पहले यहाँ पे थोड़ी चिल करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, गप्पे मारेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम लोग सेकंड लोकेशन पे। तो यहाँ पे किसी ने ना बाइक लगा दिया है अपना, और वहाँ पे आप उसके पीछे बैठ गए, तो वो बहुत टाइम से मतलब वहाँ पे ही है, गैस कपल है या क्या है पता नहीं, कोई तो है पीछे उस पत्थर के पीछे, और बाइक ऐसे ऊपर लगा के छाव में बैठे हैं। मस्त सही है यार ऐसा, यहाँ पे मतलब लिटरली दिख ही नहीं रहा है कोई मेरे को, मतलब वो भी लोग नहीं दिख रहे वैसे तो, कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग दोनों यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त लोकेशन है, और यहाँ से आप अगर बाइक चला के जाएंगे तो तारापुर बीच जो है वो सामने ही है, तो बेसिकली वहाँ पे तारापुर बीच है, लेकिन उसका जो एक्सेस है वो इजी नहीं है। यहाँ से इजी एक्सेस है, यहाँ से आप बाइक लेके भी, वहाँ से कार लेके भी आओगे तो कार लेके भी वहाँ पे जा सकते हो,
और प्राइवेट व्हीकल तो लगेगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि काफ़ी अंदर है। और अगर आप रिक्शा वगैरह से आ रहे हो तो आप रादर तारापुर बीच पे जाओ, चल के जाने के लिए बहुत ईजी है वहाँ से। और तारापुर बीच के यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से फोर्ट और नज़दीक है चल के। तो अगर आप बोईसर स्टेशन उतरते हो, बोईसर स्टेशन से हार्डली आपको कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, 20 रुपये में आपको यहाँ पे रिक्शा आके छोड़ देगा और यहाँ पे आप घूम सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ टावर दिखेंगे या नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन वहाँ पे कुछ टावर्स है। तो बेसिकली वो तारापुर का जो एनर्जी क्रिएशन सेंटर है वो वहाँ पे है। तो तारापुर का जो मेजर अपना बॉम्बे का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे बनता है और यहाँ से सप्लाई होता है बॉम्बे में। अभी समुंदर थोड़ा पास में आ रहा है। अभी यह हो रहा है कि हम लोग आए थे यहाँ पे अराउंड 9:30 बजे पहुँचे थे, और 9:30 बजे मतलब समुंदर हम लोग को एकदम होराइज़न पे दिख रहा था, बहुत दूर ऐसे था, और अभी काफ़ी पास में ऐसा लग रहा है। तो अगले 1-2 घंटे के बाद शायद से यहाँ पे थोड़ा और आगे आ जाएगा, आधा रास्ता कवर कर लेगा समुंदर, क्योंकि हाई टाइड जो है वो 3 बजे का है। तो 3 बजे ये पूरा पानी के अंदर रहेगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अगर दोपहर को आऊँगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो आप अकॉर्डिंगली आ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, तो आप अगर जल्दी आओगे सुबह में, तो सुबह के टाइम पे क्या अर्ली मॉर्निंग थोड़ा लो टाइड रहता है, तो आप अंदर तक जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको पानी में एंजॉय करना है और सेफली एंजॉय करना है, क्योंकि आप देखो पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट मतलब अंदर भी जाओगे वहाँ पे पानी में अभी भी, तो अभी भी वो फ्लैट है पूरा, और वहाँ पे अंदर जाने का कोई ख़तरा नहीं है। कितना भी आप अंदर जा सकते हो, आप घुटने तक ही पहुँचने वाले हो और ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे लहरें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शैलो वाटर है तो उतना आता ही नहीं है लहरें। तो यार सुबह से हम लोग निकले हैं, तो बाथरूम ब्रेक भी ले लिया हम लोग ने ज़रा। विपिन भाई अभी भी वहाँ पे ही है, अभी आएंगे, वो भी बारी बारी से ले रहे क्योंकि सामान है अपना बाइक पे यहाँ पे। तो बस एक और गाड़ी आ गया है यहाँ पे, अभी पहले तो कोई भी नहीं था, अभी एक कार है बस, और पीछे कोई तो यार बाजू का जो बीच है दूसरा वाला वहाँ पे टाइम पास चल रहा है उनका, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रहा है कुछ, अगर आपको सुनाई दे रहा है माइक में आएगा तो। यहाँ पे तो अपना टाइम पास करके हो गया है, अभी ज़रा काम की बातें करेंगे यहाँ पे, और हम लोग अभी कुछ ट्रिप्स करने वाले हैं साथ में, तो ट्रिप्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर वो बातें करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस काफ़ी सारा डिस्कशन तो अपना हो गया है यहाँ पे, और अभी निकलने का टाइम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियोज़ देख लीजिए।